नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कुमार, नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट इन द टीम ऑफ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है फीवर। फीवर जो घर में बैठ के ही अपना बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कोई पैरासीटामोल नहीं, कोई डोलो सोलो कुछ नहीं, सिर्फ कुछ स्टेप ध्यान में रख के आपको करना पड़ेगा, तो एक दिन के अंदर ही आप अपना फीवर उतार सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल और 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल अगर कर लिया तो आपका 2 घंटा में फीवर उतर सकता है, अगर ठीक से कर लिया तो उसी वक्त आपका फीवर चला जाएगा। मान लीजिए फीवर कुछ घंटे स्टे कर लिया तो आप 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल को उसी वक्त नहीं कर सकते, इसके लिए आपको 3 स्टेप फ्लू डाइट भी लेना पड़ेगा। तो 3 स्टेप फ्लू डाइट और 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल क्या है, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल, एक बड़ा बकेट चाहिए जो घुटने तक नीचे तक पानी होना चाहिए और छोटा छोटा और 2 बकेट चाहिए। ये जो बकेट है ये कम से कम 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और इसके साथ आपको लेवेंडर ऑयल लेना पड़ेगा। लेवेंडर ऑयल 2 बूंद डाल सकते हैं इस गर्म पानी में, 2 या 3 बूंद डाल दीजिए। और आपको इसमें 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक बकेट में पानी रखना है और ये खाली रहना चाहिए। जैसे इसमें मान लीजिए 30 मिनट्स तक आपको करना पड़ेगा तो 5 मिनट के अंदर ये पानी ठंडा हो जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस से घट के 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसमें 1 मग पानी निकाल के डाल दीजिए जो खाली बकेट है इसमें, और यहाँ से गर्म पानी निकाल के इसमें धीरे धीरे पानी डालते जाइए 1 मग, तो ये 42 रेंज में वापस आ जाएगा। ये आपको 30 मिनट्स तक करना पड़ेगा। इसके साथ आपको 80 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी लीजिए, नींबू एक निचोड़ के उसमें गर्म पानी में डाल दीजिए और सिप सिप करके पीते जाइए चाय की तरह। तो देखिए अगर ये आप कर पाते हैं तो उसी वक्त आपका फीवर उतर जाएगा। और अगर जल नीति करते हैं तो और भी बढ़िया है, जल नीति आप वीडियो में देख लीजिए। जल नीति का जो टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जल नीति का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कैसे करना है वो थोड़ा एक बार देख लीजिए। अगर जल नीति नहीं कर पाते हैं तो स्टीम ले लीजिए, 2 चम्मच हल्दी गर्म पानी में डाल के वो स्टीम भाप लेते रहिए एक कंबल ओढ़ के, ये भी कर सकते हैं आप जल नीति के जगह। तो ये अगर करते हैं तो आपको 30 मिनट के अंदर ही आपका बुखार उतर जाएगा। तो 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या है, फर्स्ट डे आपको क्या करना पड़ेगा, योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 किलो है, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 6 गिलास आपको सिट्रस फ्रूट जूस पीना है और 6 गिलास आपको कोकोनट वाटर पीना है। ये फर्स्ट डे 1 घंटा का गैप देके आप 1-1 गिलास करके पी सकते हैं। तो सेकेंड डे में योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 20, योर बॉडी वेट मान लीजिए 60 किलो है, डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू, तो 3 गिलास सिट्रस फ्रूट जूस लेना है, 3 गिलास आपको कोकोनट वाटर, ये पूरा दिन भर में। और शाम को टाइम आप योर बॉडी वेट 60 किलो बिठा दीजिए इनटू 5, शाम को टाइम आपको 300 ग्राम खीरा और टोमेटो खाना है सलाद, और कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना, बस ये सेकंड डे में आपको करना पड़ेगा। और थर्ड डे में क्या है, योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 30, योर बॉडी वेट मान लीजिए 60 किलो है, डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 2, 2 गिलास आपको सिट्रस फ्रूट जूस लेना है, 2 गिलास आपको कोकोनट वाटर लेना है। और दोपहर को टाइम आप 300 ग्राम खीरा टोमेटो आप खा सकते हैं खाना, दोपहर का टाइम आपको 300 ग्राम खीरा और टोमेटो खाना पड़ेगा। और शाम को टाइम आपको नॉर्मल होममेड कुक फूड डिनर ले सकते हैं, शाम को टाइम 7 बजे से पहले आपको ये आपको फिनिश करना पड़ेगा। अगर ये कर पाते हैं आप तो फीवर 3 दिन के अंदर पूरा ही चला जाएगा, 1 दिन में ही चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये 3 डेज फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी किसी को 1 दिन में फीवर नहीं उतर रहा है तो आप 2 दिन 3 दिन के अंदर चला ही जाएगा अगर सही से आप फॉलो करते हैं तो।
लेकिन ज्यादातर एक दिन में ही फीवर चला जाता है। फिर भी वो 3 दिन तक ये प्रोटोकॉल करना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी भी बीमारी के लिए हमसे ट्रीटमेंट या कंसल्ट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कंसल्ट लिख के भेज सकते हैं और आपका बीमारी घर में बैठ के ही आप अपना इलाज करवा के ठीक करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पे जाके आप कमेंट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।